लगता है भारत में रहने वाले रोहिंग्या मुसलमानों के दिन लद गए हैं। पिछले कई सालों से जम्मू समेत देश के कई शहरों में रहने वाले रोहिंग्या मुस्लिमों को जल्द ही भारत से बाहर का रास्ता दिखाया जा सकता है। खबर के मुताबिक केंद्र सरकार ने रोहिंग्या मुसलमानों को देश से बाहर भेजने का प्लान भी तैयार कर दिया है। अगर सरकार ने अपने प्लान पर अमल किया तो देश में रहने वाले करीब 40,000 रोहिंग्या मुसलमानों को भारत छोड़ना होगा। भारत में सबसे ज्यादा करीब 10,000 रोहिंग्या मुसलमान जम्मू में बसे हैं। खबर के मुताबिक गृह मंत्रालय फॉरनर्स एक्ट के तहत इन मुसलमानों को वापस म्यांमार भेजेगी। बताया जाता है कि ये लोग समुद्र म्यांमार और बांग्लादेश की सीमा से घुसपैठ कर भारत में घुसे थे। खबर ये भी है कि इसको लेकर हाल ही में गृह मंत्रालय में केंद्रीय गृह सचिव राजीव महारिषि की अध्यक्षता में एक बैठक हुई थी, जिनमें इनकी पहचान से लेकर देश से बाहर भेजने की रणनीति पर चर्चा हुई थी। इस बैठक में जम्मू कश्मीर के DGP और मुख्य सचिव भी मौजूद थे। हालांकि सरकार के इस प्लान को अमली जामा पहनाना भी आसान नहीं होगा, क्योंकि म्यांमार आधिकारिक तौर पर इन लोगों को अपना नागरिक नहीं मानता और इन्हें बंगाली करार देता है। इंडिया न्यूज़ वायरल की रिपोर्ट।